लेकिन अम्मी ने उसके साथ में एक बात भी कही थी मुझे मेरे चेहरे को देखकर कि हम लोग अगर इसे सेल करते बेच देते तो हमें पैसा देख के काफ़ी खुशी होती कि ये बकरा इतना पैसा देकर गया है। लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं इसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने वाली हूँ। तो ये बात अम्मी की जो ये बात मैंने जब सुनी थी तो मुझे दिल में इत्मीनान हो गया कि पैसों से ज़्यादा बड़ी खुशी अल्लाह की खुशी है, अल्लाह की रजा है। वालेकुम दोस्तों, आज कुर्बानी का दिन है। हर एक को मेरे तरफ से ईद मुबारक, हैप्पी बकरा ईद। कुर्बानी का दिन और एक बच्चों की खुशी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा कुर्बानी का बकरा माशाल्लाह, सानिया नस्ल का। इस साल दो बकरे हैं हमारे, एक ये और एक ये वाला बरबरा। ये हमारे अब्बू के एक फ्रेंड हैं, उनको ही दिया था हमने, सेल किया था, लेकिन वो कुर्बानी हमारे इधर ही होगी माशाल्लाह। डेकोरेशन वगैरह सजाना वगैरह कुर्बानी के दिन बस एक बच्चों की खुशी के लिए रहता है। देख सकते हो कितने बच्चे माशाल्लाह खुश है। ईद मना रहे हैं। हमारे ही गली के अंदर और भी बकरे थे, बैंटम वगैरह थे, लेकिन वो उनकी कुर्बानी हो गई है। हमने वीडियो काफ़ी लेट चालू किया। हर एक ईद की खुशी में माशाल्लाह। ये हमने सेल के लिए भी डाला था बकरे को, बीच में 25,000 रुपये हमने इसका प्राइस रखा था। आज से 1.5 से 2 महीना पहले हमने सेल के लिए डाला था इसको, लेकिन ये हमारे फार्म का होम ब्रीड है। बाद में जब अम्मी को पता चला कि मैंने सेल के लिए डाला उसको, अम्मी ने मना कर दिए थे। अम्मी ने उस टाइम से ही कुर्बानी की नीयत से इसको रख दिए। अभी थोड़े दिन पहले भी इसको जो फार्म के ऊपर आके हमारे जानवर लेकर गए थे, इसको कम से कम 29,000 रुपये लगाया था इसका, लेकिन अम्मी ने जब नियत कर दिए थे उसकी तो फिर कैंसिल कर दी उसको बेचना। एक हमारे इधर के ही सर्विस वाले एक भाई है हमारे, उन्होंने 29,000 मांगा था इसको, लेकिन जो अम्मी ने नियत कर दिए तो फिर उसके बाद हमने इसको कैंसिल कर दिया बेचना। क्योंकि जो कहते हैं असल कुर्बानी घर का पला हुआ बच्चा अफजल है काफ़ी, जिसको हमने खुद हमारे हाथ से परवरिश की है जिसकी, उसके ऊपर कुर्बानी करना काफ़ी अच्छा है और असल कुर्बानी जिसे कहा जाती है। मुझे भी काफ़ी मतलब बुरा लगा था जब अम्मी ने कहा था इसे हम कुर्बानी की नीयत से रख रहे हैं, लेकिन अम्मी ने उसके साथ में एक बात भी कही थी मुझे मेरे चेहरे को देखकर कि हम लोग अगर इसे सेल करते बेच देते तो हमें पैसा देख के काफ़ी खुशी होती कि ये बकरा इतना पैसा देकर गया है। लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं इसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने वाली हूँ। तो ये बात अम्मी की जो ये बात मैंने जब सुनी थी तो मुझे दिल में इत्मीनान हो गया कि पैसों से ज़्यादा बड़ी खुशी अल्लाह की खुशी है, अल्लाह की रजा है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ अम्मी की ये बात सुनकर। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात कही थी अम्मी ने, इसे ध्यान में रखिए हर साल। छोटी सी वीडियो रहेगी दोस्तों, एक व्लॉग वीडियो बोल के। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।